अगर आप इस बार कोई दो पहिया वाहन लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा मोघट रोड पर, जहां पर है नेशनल ऑटो मोबाइल्स। जी हां, यामाहा का ये शोरूम, जहां पर आपको कई प्रकार की गाड़ियां मिलेंगी, अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी, दो पहिया वाहन इस तरह से मिलेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप एक अच्छी गाड़ी पर राइड करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी पर सवारी करना चाहते हैं, तो आपको एक से बढ़कर एक मॉडल यामाहा के यहाँ पर मिल जाएंगे। यामाहा की यहाँ पर अलग अलग तरह की गाड़ियाँ हैं। अगर आप परिवार में किसी भी तरह के बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, बड़े के लिए लेना चाहते हैं, यंगस्टर को अलग अलग बाइक की ज़रूरत है, तो आप यामाहा के इस नेशनल ऑटो मोबाइल्स के शोरूम पर आएंगे, जहाँ पर आपको अलग अलग वेराइटी की गाड़ियाँ मिलेंगी। खंडवा के सूरजकुंड मतदान केंद्र पर हुई मारपीट के मामले में बीजेपी पार्षद संतोष सरवान भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली थाने पहुंचे और कोतवाली थाना प्रभारी को एक शिकायत दर्ज कराई। पार्षद ने कहा कि वो सूरजकुंड पोलिंग बूथ पर खड़े थे, तभी अशोक चौहान वहां आए तो पार्षद ने उनके द्वारा पूछा गया कि आप बार बार यहाँ क्यों आ रहे हो, तो अशोक चौहान ने पार्षद सरवान के साथ गाली गुलौज कर मारपीट शुरू कर दी, ऐसा पार्षद का कहना है। हालांकि दोनों ने एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए और कोतवाली थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पार्षद संतोष सरवान जी ने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। मारपीट के आरोप आप पे लग रहे हैं, ये क्या मामला पूरा? आज हमारे वार्ड क्रमांक 3 में पोलिंग बूथ का वोटिंग अच्छी तरीके से चल रही थी, सब शांतिपूर्वक स्थिति थी और महिलाएं भी थी वहां पर, तो ये अशोक चौहान 5:45 के बीच में वहाँ आए और महिलाओं को भी बरगलाने लगे कि आप ये, वो तो दो तीन महिलाओं ने उनको बोली भी कि भैया हम अपनी मर्जी से डालेंगे, जो भी जहाँ डालना है वोट, आप कौन होते हो। अब इतने में मैंने सुन के मैं भी वहाँ अंदर गया, मैंने भैया आप कौन होते हैं यहाँ पर, वो जबकि हमारे वार्ड का नागरिक भी नहीं है, किसी अन्य वार्ड में रहते है, चंपा तलाव के निवासी है पता चला जैसे कि, तो मेरे को गाली गलौज करने लगे, बोले कि तेरे बाप का जमीन है क्या, ये तेरी बाप की स्कूल है क्या। मैंने भाई साहब आप अच्छे से बात करो, मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ। इतने में उन्होंने बाहर निकलने की धमकी दी, मैं बाहर आया, उन्होंने वो तमाचा मार दिया। अब मेरी रक्षा करने के लिए हाथापाई हमारे बीच में हुई, फिर कार्यकर्ता लोग भी तो बीच बचाव करने में वो धक्का मुक्की में गिर गए, बस यही हुआ, बाकी लोगों ने फिर झगड़ा छुड़ा दिए। वो ऐसा कुछ नहीं, लोगों ने बीच बचाव भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसने वो भी मेरे से ज्यादा हेल्दी था, मेरे ऊपर डायरेक्ट उसने अटैक करा, बाहर निकलते से तमाचा मारा। हम बस यही कि कानून इसका सही तरीके से निराकरण करे और निर्णय ले। हम लोग तो अभी माता बहनों की रक्षा करने के लिए और शांतिपूर्वक मतदान, मैं अभी वर्तमान में वहां से पार्षद भी हूँ और क्रमांक 3 से मैंने अभी आवेदन दिया हूँ और टीआई साहब मिले नहीं है, लेकिन मैंने आवेदन रख के आया हूँ। मैं संतोष सारवान, मैं अभी फिलहाल में वर्तमान में पार्षद हूँ वार्ड क्रमांक 3 सूरजकुंड से। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का, रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना, जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।